Here we are at Dastakri Hut, and here we have visited the stall where we can see Gond art, okay, Gond art form, and we have the artist with us to explain his art, okay. जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप श्याम है। दिलीप श्याम, दिलीप श्याम। अच्छा, और कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारा जो गांव है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडल जबलपुर से आगे जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो जहाँ से बताना दे निकली है अमरकंटक, हाँ, उसके पास है हमारा गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और ये काम मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। 25 साल से? ओके। हाँ जी। और इसका काम में जो घर की दीवारों पे जो बनाते हैं वो नेचुरल कलर से बनाते हैं। हाँ जी। अभी जो मैं बना रहा हूँ एक्रेलिक कलर से बना। एक्रेलिक? अच्छा, यही सब एक्रेलिक का है? एक्रेलिक। ओके। और इसको भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। भित्ति चित्र, भिंत, भित्ति मतलब दीवार, मराठी में उसको भिंत बोलते हैं। तो दीवार में बनाए जाने वाले चित्र है। हाँ जी। जिसको हम लोग जो है आज पेपर, कैनवास और भी आइटम इनमें बनाते हैं। अच्छा, ओके। गोंड आर्ट में एनिमल्स की स्टोरियां, एनिमल्स ज्यादा रहते हैं? एनिमल्स ज्यादा, गॉड्स कम रहते हैं, एनिमल्स ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एनिमल ही गॉड है क्या आपके कल्चर में, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा तो नहीं है, हमारे देव भी अलग हैं। अच्छा। क्योंकि हम आदिवासी जो लोग, गोंड लोग हैं, हाँ जी, नेचर और फिर जो उससे ज्यादा पास पास रहते हैं, जैसे खेती का काम करना, हाँ जी, तो पशु पक्षियों के साथ रहना, जंगल में जाना, तो उस चीज को देखते हैं कि कैसे वो अपने होम में रहते हैं, कैसे उनका बैठने का तरीका है, कैसे चलने का, वो सारा चीज जो है। अच्छा। एक अनुभव रहता है और उसके साथ साथ स्टोरी भी होती है। अच्छा। मोर पक्षी का स्टोरी हो गया, धरती की उत्पत्ति कैसी हुई। अच्छा। पहले जली जल था, तो ये सारा चीज जो हमारे गोंड में हानि है, हाँ, उसके आधार पे हम लोग। तो आप एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपका कोई पेंटिंग में जिसमें आपका कल्चर का स्टोरी भी शामिल है? महुआ ट्री ओके, जिससे वाइन बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो धर्म में, हाँ जी, आदिवासी में हर सबसे पहले देवों को वाइन अर्पण करते हैं हम लोग। अच्छा। तो इस महुआ ट्री से हम लोग वाइन बनाते हैं। हाँ जी। महुआ ट्री के अंदर 3 देव वास करते हैं। अच्छा। जो एक तोता के रूप में होता है, हाँ, दूसरा टाइगर के रूप में होता है, हाँ, शेर के रूप में, हाँ जी, तीसरा पिग के जो सुअर का रूप होता है। पिग, ओके, हाँ। हाँ। जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, हाँ जी, कि जैसे कोई पहले थोड़ा सा पीता है तो तोता की तरह सुंदरवाणी बोलता है। अच्छा। दूसरा पीता है तो शेर की तरह दहाड़ मारने लगता है, मेरे से ताकतवर कोई नहीं। अच्छा। तो उससे ज्यादा पीता है तो सुअर की तरह जुर्माने करने लगता है। अच्छा। इस तरह से कहानियां जो है, ओके, चलता है। और फिर जो हमारे देवी देवता है उनकी भी कहानी हम लोग बनाते हैं, कि बड़ा देव हो गया, हाँ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ जी, बड़ा देव उसको बोलते हैं, बड़ा देव बोले तो शंकर भगवान। अच्छा। जैसे हिंदू धर्म में हम उसको शंकर भगवान कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म में हम जो गोंड आदिवासी हैं उसको बड़ा देव कहते हैं। बड़ा देव, भगवान वही है, लेकिन उनका नाम अलग अलग। सही बात है जी। तो जैसे हमारे देव भी होते हैं, 7 देव, 6 देव, अच्छा, 5 देव, उसी आधार पे हमारा गोत्र भी होता है। अच्छा। श्याम, कुशराम, ध्रुवे, मुरावी। अच्छा। जैसे ये अलग, अच्छा, देव के आधार पे। एक बात बताइए, जब आपने बोला कि ओरिजिनल ये अपना वॉल पे होता था, अभी कैनवस पे आ गया, तो ये जो शिफ्ट हो गया है उसकी वजह से जो आप बनाते उसमें भी कुछ बदलाव आया है क्या? मतलब ऐसी जो चीज़ें पहले नहीं थी पर अभी, क्योंकि आप कैनवस में बना रहे हैं और कलर्स भी एक्रेलिक हो गए, तो कुछ चेंजेस है? बनाते थे वो, ब्रश भी नहीं था हमारे पास, बांस का जो, बेम्बू का जो आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, इसे बना के करते थे, मोटा मोटा काम होता था, हाँ जी। और फिर हम लोग आज जो कंप्यूटर में सारा चीज जो देखते हैं, हाँ जी, तो उससे थोड़ा सा चित्र में ही परिवर्तन आया है। पहले तो सीधा अपन जो चित्र गांव में गाय बैल देखे, कैसे गाय आइए पक्षियों के साथ रहते हैं, अच्छा, कैसे कौन सा पक्षी है, तो वो चीज़ बन, लेकिन अभी थोड़ा सा सारा चीज़ जो कंप्यूटर में देखते हैं, कुछ नया चीज़ बनाओ, कुछ नया चीज़ अलग करो, अच्छा, उससे फर्क पड़ा है चित्रों में। कहानी वही है लेकिन चित्र का जो रूप धारण है वो अलग हो गया। तो आप कहेंगे बेहतर हुआ है या बस अलग हुआ है? मैं चाहूंगा कि बेहतर हुआ है। अच्छा। अलग तो नहीं हुआ है लेकिन, अच्छा, उससे बेहतर हुआ है, अच्छा, अच्छा हुआ है, अच्छा, लोग बाग उससे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आप जब कब से जुड़े हैं दस्तकरी हाट से? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो जब से, तो सिर्फ ये एक मार्केट प्लेटफॉर्म है या जैसे आपने बोला, मैं वो जया मैडम से भी बोल रहा था कि बहुत सारे आर्टिस्ट को ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो डिजाइनिंग वगैरह सीखते हैं ना आर्ट फॉर्म, उनके साथ मतलब कोलैबोरेशन का है, उनके साथ बैठ के आर्ट को और कैसे सुंदर बनाए?
ऐसा कोई प्रयास आपके साथ हुआ है मतलब? अच्छा जी, एमएम जो है वो हमारे आर्ट को काफी प्रमोट भी करते हैं। अच्छा, और फिर उनके साथ रह के मैंने काफी जगहों में, अच्छे अच्छे जगहों में काम भी किया है। अच्छा, और हमारे आर्ट को नए तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। हाँ, अच्छा, ओके, हाँ बोलिए। नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि नया कैसे दिखेगा इसमें और ऐड क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे आर्ट को मैडम ने काफी प्रमोट किया है। ओके, उनके माध्यम से मैं अलग अलग जगह में भी गया हूँ। ओके, और काम भी किया। कहाँ गया आप? जैसे अच्छा, क्योंकि नए इंडिया से बाहर तो नहीं गया।